नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल यूथ एजेंडा लाइव न्यूज़। नेशनल यूथ एजेंडा लाइव में आपका स्वागत है। देखते रहिए नेशनल यूथ एजेंडा से। धनराज कुमार, ब्यूरो की रिपोर्ट। राजनीति से सत्ता प्राप्त की जा सकती है, परंतु राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। विजय कुमार सिन्हा आज दिनांक 2/6/2022 को छात्र छात्राओं हेतु स्वागत सह विदाई समारोह का आयोजन बीडी कॉलेज में किया गया। जिसमें सर्वप्रथम एनसीसी यूनिट के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद विधानसभा अध्यक्ष माननीय विजय कुमार सिन्हा एवं प्राचार्य ने के एन सहाय, शंकर दयाल सिंह, बी दयाल की अवक्ष प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण कुमार ने कहा कि छात्रों को सकारात्मक सोच के साथ अपनी बेहतरी में लगे रहना चाहिए और लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा के अध्यक्ष माननीय विजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की आबादी की 2/3 जनसंख्या युवाओं की है। युवा शक्ति चाहे तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। राजनीति से सत्ता प्राप्त की जा सकती है, परंतु राष्ट्र का उत्थान नहीं किया जा सकता। यह महज संयोग नहीं है कि 21वीं सदी में यह युवा का देश, परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास के पथ पर अग्रसर है। पहले सिर्फ अधिकारों की बात की जाती थी, लेकिन अब अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का निर्वहन भी सिखाया जा रहा है। भारत की युवा आबादी की ओर विश्व की जनसंख्या आशा भरी निगाहों से देख रही है। महाविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि रूसा के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कामेश्वर झा ने एक अंग्रेजी की कविता की पंक्तियां उद्धृत करते हुए छात्रों का उत्साह वर्धन किया। इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष सह वर्षद डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता ने भी अपने विचार रखे, जबकि धन्यवाद ज्ञापन वाणिज्य विज्ञान के प्रोफेसर संजीव नाथ जी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर लोकवर्धन गुप्ता, डॉक्टर विजय सिन्हा, डॉक्टर श्रीनिवास पांडे एवं डॉक्टर दिवाकर पांडे आदि की गरिमा में उपस्थिति रही। डॉक्टर कामेश्वर झा जी, बीडी कॉलेज के प्राध्यापक जगन्नाथ गुप्ता जी, समाज सेवी शशिभूषण जी, प्राध्यापक दिवाकर पांडे जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर विजय सिन्हा जी, डॉक्टर संजीव नाथ जी, डॉक्टर लोकवर्धन गुप्ता जी एवं कॉलेज स्वामी विवेकानंद जी ने 21वीं सदी की भविष्यवाणी 19वीं सदी में किया था। उन्होंने 19वीं सदी में कहा था कि भारत विश्व गुरु होगा। आज हम और आप 21वीं सदी के भारत में खड़े हैं और 21वीं सदी के भारत में आप देखें
कितना बड़ा बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये संयोग नहीं है। 19वीं सदी में, 18वीं सदी में क्यों नहीं, भारत की आबादी 2/3 के लगभग युवाओं का था, ये 21वीं सदी में ही भारत की आबादी 2/3 युवाओं का है, क्या ये संयोग है? ये संयोग नहीं है। भारत की जहां आधी आबादी आजादी के 75 वर्ष के बाद भी अंधेरे में रहता था, आज 21वीं सदी में कोई भी गांव अंधेरा में नहीं है, ये संयोग नहीं है। हमारे राष्ट्र के, हमारे संस्कृति विरासत का सबसे बड़ा धरोहर मानव जाति के कल्याण के लिए वसुधैव कुटुंबकम का भाव जागृत कर सभी निरोग रहे, सभी सुखी रहे, इस भाव की कल्पना जिस योगा के माध्यम से हो रहा था, वो योगा का पुनर्जागरण 21वीं सदी में हुआ। विश्व के 176 कंट्री आज 21 जून को योगा मनाता है, पहले क्यों नहीं हुआ? ये पुनर्जागरण 21वीं सदी में ही हुआ। और मैं अपने नौजवान मित्रों से कहना चाहेंगे कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी चौराहे पर खड़े नकारात्मक रास्ते में न जाए। आज हम सबों की जिम्मेदारी है, हमने तमाम अपने जनप्रतिनिधियों से लेकर पदाधिकारियों, बुद्धिजीवियों, हर जिले के अंदर जाकर के सदन से लेकर सड़क तक ये बताने का काम कर रहा हूँ कि आज इन बच्चों का जो 2/3 आबादी चौराहे पर खड़ा है, उसको चौराहे पर हम न छोड़े, उस बच्चे को चौराहे पर उस रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित करें जिस रास्ते में प्रकाश है। आप हर कार्यक्रम के पहले दिन प्रज्वलित करते हैं सूर्य प्रकाश का, कल्पना करके मन के अंदर सूर्य को ऊर्जा को ग्रहण करना चाहते हैं। हम चौराहे पर उस रास्ते की ओर ना जहाँ जहाँ नकारात्मक वातावरण है, जहाँ मन के अंदर कई कुंठाओं को जन्म देती है, जहाँ मन के अंदर कई संकीर्णताओं को उत्पन्न करता है, कई विकारों का जो शरण स्थली हो, हम उस पथ पर नहीं जाएंगे। हम उस पथ पर जाएंगे जहाँ सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ परिवार का, समाज का, राष्ट्र का मान सम्मान बढ़े और उसके उत्थान में हमारी योगदान हो, ये भाव पैदा करने का हमको संकल्प लेना है। हम नौजवानों से कहना चाहेंगे कि आप इस उम्मीद में न रहें कि आपके जिंदगी में कोई अपरिचित होके आएगा और चमत्कार कर देगा, आपको शून्य से शिखर की ओर अपने आप को कदम बढ़ाना होगा, अपने को गढ़ना होगा और गढ़कर अपने को बढ़ना होगा। और जो इस भाव को मन में आज बैठा लेगा, कॉलेज का लाइफ, मैं भी आपके उम्र में जब कॉलेज के अंदर था तो पॉलिटेक्निक छात्र संघ का बिहार का जनरल सेक्रेटरी था और बच्चों के मन के अंदर कई विचार, कई उमंग का भाव आता है, कई तरह के पथ पर कई पथिक भी मिलते हैं, सकारात्मक भाव उत्पन्न करने वाले भी आपके असली मित्र होंगे, असली आपके शुभचिंतक होंगे। नकारात्मक भाव के लोग भी आपसे अपेक्षा रखता है कि आप सकारात्मक पथ पर बढ़े। आज जो यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके जाने वाले लोग हैं और जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आने वाले लोग हैं, दोनों के बीच भय का वातावरण नहीं, एक श्रद्धा, एक पवित्रता, एक अपनत्व का भाव है। वो जूनियर आपको सीनियर, आपकी शालीनता, आपकी विद्वता और आपके अच्छे कर्मों के कारण जाने, ये विद्यालय यहाँ के शिक्षक आप पर गर्व महसूस करें,
ये भाव मन के अंदर आपको होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिभा का सम्मान राष्ट्र का उत्थान है। आज कहीं न कहीं कुछ भटकाव समाज के अंदर आया, आज उस भटकाव के कारण हमारी प्रतिभा कहीं न कहीं प्रभावित होती है। हमने सदन के अंदर भी कहा है, सदन के बाहर भी कहा है कि जिस समाज के अंदर, जिस राष्ट्र के अंदर प्रतिभा का सम्मान होता है, उस राष्ट्र का उत्थान कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो समाज प्रतिभा का अपमान करता है, उसका कथन कोई नहीं रोक पाएगा, उसकी अवनति निश्चित है। लेकिन राष्ट्र के उत्थान के लिए राजनीति से सत्ता प्राप्त की जा सकती है, राजनीति से राष्ट्र का उत्थान नहीं किया जा सकता। और इस बात को आप मान करके चले, जो वेतन भोगी है, जो जनता के वेतन को प्राप्त करने वाले लोग हैं, वो मालिक नहीं हो सकता, वो सेवक है। मालिक आप है, क्योंकि आपकी बदौलत, आपकी ताकत से समाज के उत्थान के लिए उसको जिम्मेदारी मिला है। और ये भाव का आभास आप कब करा पाएंगे, जब आप शिक्षित होंगे, जब संविधान के उस 22 भाग को आप जानेंगे कि हमारे पूर्वजों ने संविधान में हम लोगों के लिए क्या अधिकार दिया है। और संविधान के अंदर विधायिका का हो, कार्यपालिका का हो, न्यायपालिका को हो, क्या जिम्मेवारी दिया है, और वो जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी विश्लेषण एक माँ भारती के संतान जो सभ्य नागरिक के रूप में, विद्वत नागरिक के रूप में रहेगा, वो निर्णय करेगा। और उसके निर्णय के कारण सत्ता के शिखर पर लोग पहुंचते हैं। ये निर्णय ईमानदारी से हो, ये निर्णय विकारों से मुक्त हो, ये जातीय भावना से हट करके हो। जहां पूरा विश्व कहां पर रहा है, पूरा विश्व आज विकास की ओर बढ़ रहा है, पूरा विश्व गरीबी, भुखमरी, बीमारी, इससे मुक्ति की बात कर रहा है, वहीं आज हम कहां कर सकते। अपने देश के अंदर कई राज्य गरीबी, बीमारी, भुखमरी से लड़ रहा है, और हम आज भी जातिवाद की बीमारी से लड़ रहे हैं, आज भी जातिवाद की बीमारी में ग्रसित है। इस माहौल से मुक्ति मिलनी चाहिए। इस माहौल से जो लोग मुक्त नहीं करना चाहते हैं, उससे समाज को मुक्त कर देना चाहिए। ये बदलाव नौजवानों के हाथ में ताकत होती है, ये भावना नौजवान मन के अंदर लेकर चलेगा कि हम विकारों से मुक्त होंगे, हम तमाम बंधनों को तोड़ करके हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये डिजिटल दुनिया का युग है, डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। जातीय भावना को भड़काकर, सांप्रदायिकता के माहौल खड़ा करके हम विकास के पथ पर नहीं चल सकते। जो सब का विकास की चिंता करता है, वही इस राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता। ये माहौल बनानी चाहिए। आज चाइना हमसे बड़ा कंट्री था, चाइना हमसे बड़ा राष्ट्र था, चाइना की बड़ी आबादी थी, चाइना में ज्यादा हमसे गरीबी था, चाइना के नौजवानों की बेरोजगारी हमसे ज्यादा थी। लेकिन जब वहां की सरकार ने नीति निर्धारित किया, वहां की सरकार ने यह तय किया कि हम नौजवानों को हाथ में उसके हुनर और कौशल को विकसित करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले गांव में पावर पहुंचाया। आज 21वीं सदी में यह सौभाग्य है कि बिहार के और देश के हर गांव के अंदर पावर बिजली पहुंचा है। कोई गांव बिजली से वंचित नहीं है। हर गांव आज एकल्पित से जुड़ गया है। और आज हमारे हर नौजवानों के हाथ में डिजिटल मोबाइल का जोधा के रूप में काम कर रहा है। जब चाइना का नौजवान एक रूम के अंदर बैठ करके वो बिहार के गांव का पता कर रहा है, सर्च कर रहा है कि बिहार में क्या चाहिए, दिवाली में इनको मोमबत्ती चाहिए, दिया सलाई चाहिए, दीपक चाहिए, पटाखा चाहिए,
मुर्गी चाहिए, होली में रंग चाहिए, ईद में इनको सबक चाहिए, वो निर्माण करके आपके गांव में भेज दे रहा है और आप उसको सहज स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन चाइना के बारे में पूरे विश्व में ये धारणा है कि चाइना का आइटम यूज करो और फेंक दो, लेकिन भारत के नौजवानों के हाथ से बना हुआ सामान जब बनेगा तो विश्व को विश्वास है कि इसे यूज करो और यूज करते रह जाओ। क्यों नहीं मधु, क्यों हम नहीं मधु कुटीर उद्योग के जाल को आज से बिछाने का काम शुरू करें। स्टार्टअप योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाओं का किया गया है, हम एक योग्य नागरिक के रूप में उस योजनाओं का हम स्वरोजगार प्रेरक बने, हम स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार सृजन करता बने। एक व्यक्ति जब स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाता है, आधा दर्जन लोगों को रोजगार मिलता है। आज स्वरोजगार की जरूरत है, लघु कुटीर उद्योग की जरूरत है और हमारा बना हुआ आइटम हम भी डिजिटल योद्धा है। हम सर्च करेंगे विश्व के तमाम उस कंट्री का जहां आधी से अधिक आबादी बुढ़ापा की ओर कदम बढ़ा दिया है, जो भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है, हम उसकी आवश्यकता का सर्च करके हम वहां तक अपने प्रोडक्शन को, अपने हाथ के निर्मित सामानों को उसकी आवश्यकता के अनुसार भेज देंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है भारत को विश्वगुरु बनने से रोक लेगा। जो अवसर आपके हाथ में है, आजादी का 75 वर्ष गुजर गया, हमें सिर्फ अधिकार की बात सिखाई गई, हर लोगों को लड़ाने की बात की गई, अधिकार का नारा देकर लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। आजादी के इस 75 वर्ष में जिन लोगों ने सिर्फ अधिकार की लड़ाई लड़ाया और उस अधिकार की लड़ाई में आम आवाम को बलि चढ़ाकर अपना सुख भोग किया है, अब वो अधिकार की बात नहीं। अगला 25 साल जब आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे तो कर्तव्य बोध से हर लोग को पालेंगे। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन क्या करता है, चाहे विधायिका में बैठा व्यक्ति है, कार्यपालिका में बैठा व्यक्ति है, न्यायपालिका में बैठा व्यक्ति है, आप डिजिटल योद्धा के रूप में क्या कर्तव्य है, और जिसने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है उस व्यक्ति को आप कर्तव्य सिखाने के लिए पहले उनको ध्यान दें, तभी उसको सत्ता की प्राप्ति का अवसर दें। ये माहौल खड़ा करना चाहिए, जो कर्तव्य निभाया है वही हमारा भाग्य निभाता बन सकता है, वही पदाधिकारी है, वही न्यायपालिका के चेयर से इस राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। मैं नौजवानों से आह्वान करता हूँ, मैं सदन के अंदर भी कहा है, सदन के बाहर भी कहा, वो किसी संकीर्णता से नहीं होगा, सारे बंधन को तोड़ करके जो समाज के हित में बेहतर करेगा, राष्ट्र के हित में काम करेगा, हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि राष्ट्र प्रथम ये भाव मन के अंदर हमको आपको लेना होगा, तभी इस राष्ट्र का स्वामी विवेकानंद जी को सुभाष वाणी को हम जमीन पर उतार पाएंगे, ये 21वीं सदी भारत का होगा। और अंत में कहना चाहेंगे अपने युवा मित्रों को, इसको याद रखिए कि अपने लिए जीना एक कहानी है, अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है। हम औरों के लिए जीने का संकल्प लिए, रोटी तो बिना पढ़ा लिखा लोग भी कमा लेता है, रोटी तो बिना पढ़ा लिखा लोग भी कमा लेता है। हम अगर ये ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये ज्ञान परिवार समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ने का, उसे कर महसूस करने का अवसर दे। आपको मैं बता दूं, अभी हाल फिलहाल में ही मैं लोकसभा में गया था, लोकसभा के दीवार पर कुछ प्रतीक हमने देखा तो हमारी उत्सुकता बढ़ी कि ये प्रतीक क्या है। तो हर विधानसभा का, हर बिहार, हर स्टेट का वो प्रतीक आजादी के समय बना था और उस प्रतीक में हमने बिहार के प्रतीक को निकाला और बिहार के उसी प्रतीक को बिहार विधानसभा के शताब्दी स्मृति स्तंभ पर लगा रहे हैं ताकि आने वाला विरासत उसको याद रखे। ये बिहार का प्रतीक था, लोग ढूंढ रहे उस प्रतीक को फिर से स्मृत कराना है। तो मेरा प्रतीक क्या था, मेरा सांस्कृतिक विरासत गौरवशाली था। फिर हमने जब आगे निकला
और महापुरुषों का चित्र लगा हुआ था। हमने खोजने लगा बिहार के महापुरुषों को। आजादी के बाद एकमात्र बिहार के महापुरुष का चित्र लगा था, एकमात्र डॉक्टर राजेंद्र बाबू का। आप बताइए, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू को छोड़कर बिहार के जो ज्ञान विज्ञान की भूमि रही, कई धर्मों का उद्गम स्थल रहा, भगवान बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, आर्यभट्ट की धरती, चाणक्य चंद्रगुप्त की धरती, उसका एकमात्र विरासत क्यों ठहर गया बिहार का विरासत? बिहार के विरासत को रोकने वाले कौन लोग थे, इस विषय में जाना नहीं चाहता। लेकिन बिहार देश का ही नहीं विश्व का नेतृत्व किया है। इस बिहार को इस स्थिति में किसने पहुंचाया? हमारी आपकी जिम्मेदारी है किसी सदी में कि बिहार के विरासत को आगे बढ़ाने का, बिहार को देश और दुनिया के नेतृत्व करने को काबिल बनाने का। और मैं जो नौजवानों को कहना चाहूंगा, अभी हमारे कुछ मित्र इतना ऊर्जावान पावरफुल थे कि बड़ा तेज आवाज में बात कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगा मित्रों, इस पावर इस ऊर्जा को बचा लो, ये ऊर्जा को सकारात्मक भाव में लगा लो। अपने परिवार में जाके झांक के देखो कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके परिवार का मान सम्मान इज्जत और पहचान दिया है, जिस पर तुम गर्व करते हो। अगर जो है तो उनसे भी बेहतर करके तुम्हारे नाम से आने वाला पीढ़ी जाना जाए, और जिस परिवार में नहीं है उसकी और बड़ी जिम्मेदारी है, उस परिवार का मैं विरासत को बढ़ाऊंगा, मेरे नाम से वो अच्छे कर्म से हमारा परिवार जाना जाए। आज से मन के अंदर ये संकल्प ले लें, और ये भाव जब मन के अंदर आएगा तो एक नया सकारात्मक वातावरण बनेगा, आपका सामाजिक स्तर पर सम्मान बढ़ेगा, आपका हर क्षेत्र में अपने समाज परिवार के अंदर सम्मान बढ़ेगा। और मैं हर जगह जाता हूँ तो सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा विधानसभा में शुरू किया गया, और सभी विधायकों को, पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को, जिला के सभी पदाधिकारियों को, बुद्धिजीवियों को, युवा मित्रों को ये संकल्प दिलाता हूँ कि हमारा परिवार, इसमें किसी के अनुदान की जरूरत नहीं है, किसी के दान की जरूरत नहीं है। मन के अंदर एक संकल्प लेने का आप अपने घर से शुरू कर दें। 90-95% से ज्यादा बच्चे हमारे मुक्त हैं, लेकिन जब आप अपने घर के अंदर ये संकल्प लिखेंगे तो आपके परिवार पर इसका असर पड़ेगा, आपके अगल बगल के लोगों पर असर पड़ेगा कि मेरा परिवार नशा मुक्त हो। आज अकेले आप जानते हैं कि कैंसर से कितने लोग मर जाते हैं तंबाकू के कारण। आज उजला जहर कई तरह के लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। आज जिस राष्ट्र को गुलाम बनाना है तो हमारा दुश्मन देश क्या करता है कि सबसे पहले वहां के नौजवानों को नशाखोरी की आदत लगा दूं। आज पंजाब जैसा सबसे विकसित राज्य नशाखोरी के कारण कहां ठहर गया। बिहार में भी वह खेल शुरू हो चुका है। इसलिए हम आप जो माँ भारती के संतान हैं, मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से आते हैं, हम लिखेंगे कि मेरा परिवार नशा मुक्त। और जब आपके जैसे बच्चे अपने माता पिता चाचा चाची भाई बहन को कहिएगा कि इस घर में नशा मत करिए, आप संकल्प लीजिए नशा मुक्त, आपकी बात को जरूर मानेंगे। मेरा परिवार नशा मुक्त, मेरा परिवार अपराध मुक्त, मेरा परिवार बाल विवाह मुक्त, मेरा परिवार बाल श्रमिक मुक्त, मेरा परिवार शहीद मुक्त, ये 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त और 5 सामाजिक सम्मान से, 5 सामाजिक वरदान से युक्त हो। आज बीमारी के कारण, गंदगी के कारण, बीमारी सबसे बड़ा गंदगी के कारण है, आधी बीमारी गंदगी से होता है। हम स्वच्छता युक्त हमारा परिवार योगा आयुर्वेद युक्त। आज कोरोना काल में आपने देखा है तो बड़े बड़े कंपनी को स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे थे, न उसकी दौलत काम आई, न सहूलत काम आई, सब घर के अंदर कैद हो गया। लेकिन भारत के मिट्टी से प्रकृति के गोद में खेलने वाला हंसते रहा, लेकिन जो वातावरण में रहा वो कमजोर पड़ गया। हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, जल संचय प्रकृति युग और विरासत युग मेरा परिवार बनेगा, और 5 लोगों को जरूर सम्मान करें।
तमाम मित्रों से कहेंगे पांच लोगों का उपहास मत करिए, पांच लोगों का हमेशा सम्मान करिए। जो डिजिटल साक्षर है उस परिवार का हर सदस्य डिजिटल साक्षर है, उसके सम्मान से आपके समाज में बदलाव आएगा। जो आपका स्वरोजगार प्रेरक है, जिस परिवार का हर सदस्य रोजगार में लगा है उसका सम्मान, जिस परिवार का रोजगार सृजन करता है पांच लोग को रोजगार दे रहा है उसका भी सम्मान करें। जिस परिवार का हर व्यक्ति समाज के लिए सामाजिक योद्धा के रूप में अपने सुख दुख को ढूंढ करके दूसरे के सुख के लिए संकट में मदद करता है, वैसे सामाजिक योद्धा का और जो दान करता है पहले अपने समाज में दान की प्रवृत्ति। यह आर्थिक विषमता इसलिए कम था, आज आर्थिक विषमता इसलिए बढ़ रहा है कि जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहा है। कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो ये आर्थिक सामाजिक विषमता को रोक सके। सब के सब इस विषमता के दोषी नहीं हो सकते। अच्छे लोगों की भी जमात है जो सेवा समर्पण जाता है समाज के गरीब तबके को, प्रतिभाशाली को मदद करके आगे बढ़ने का अवसर देता है। अभिभावक विहीन बच्चों को गोद लेकर उसे सामाजिक योद्धा सामाजिक वरदान के रूप में लाना चाहता है। अगर जो हम छोड़ देंगे तो वही लोग फ्रस्ट्रेशन में असामाजिक तत्व के हाथ में जाएगा और समाज के लिए वो अभिशाप बन जाएगा। ये वरदान से हमको समाज को बनाना है तो हम लोग की आप लोग की इजाजत हो तो ये संकल्प बुला दिया जाए। एक बार सब लोग खड़े हो जाए। जब मैं बोलूंगा तो अपना अपना नाम बोलते हुए दोहराएंगे। मैं यह संकल्प लेता हूं कि हमारा परिवार पांच सामाजिक अभिशापों से मुक्त होगा। हमारा परिवार नशा मुक्त होगा। हमारा परिवार अपराध मुक्त होगा। हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त होगा। हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त होगा। परिवार दहेज मुक्त होगा। हाँ, सामाजिक वरदानों से युक्त हमारा परिवार होगा। हमारा परिवार स्वच्छता युक्त होगा। हमारा परिवार योगा और वेद युक्त होगा। हमारा परिवार जल संचय युक्त होगा। हमारा परिवार प्राकृतिक युक्त होगा। हमारा परिवार विरासत युक्त होगा एवं पांच सामाजिक सम्मानों से पूर्ण हमारा परिवार डिजिटल साक्षर होगा। हमारा परिवार स्वरोजगार प्रेरक होगा। हमारा परिवार रोजगार सृजन करता होगा। हमारा परिवार सामाजिक योद्धा होगा। हमारा परिवार सेवा समर्पण दाता होगा तथा मैं और मेरा परिवार समाज के निर्माण हेतु इस संकल्प के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी आपने कहा भारत माता की जय। देश में भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने देश को माता के रूप में मानता है। इस धरती पर जो भी जन्म लिया है किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है वह हमारा है, हम उसके हैं, इसी भाव से काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता पर वक्त ही अपनी तकदीर बदल दे। शिक्षा परिषद बिहार श्री कामेश्वर झा जी से आग्रह करता हूँ कि हमें अपने भाषण से अनुग्रहित करें। तो
सभा में उपस्थित श्री शशि भूषण यादव जी महाविद्यालय के आए गए परिष्कर्ता डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता जी और हमारे मुख्य अतिथि आज के मुख्य अतिथि मिलन समारोह और विदाई समारोह चतुर्थ मिलन और विदाई के उद्घाटन मुख्य उद्घाटन करता बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रणम्य परम आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी उनके ही कलम से निर्मित यह पुस्तिका भी मिली भारत माता की तस्वीर और उस तस्वीर के नीचे उनके चरण कमल में खुद को समर्पित किए सुधावान की तस्वीर भी मिली और जो तस्वीर मिली उसके बाद उनका जो अभिभाषण हुआ उसके संबंध में मैं जितना भी कहूँ वो कम है। उन्होंने आपको प्रेरित किया आपके भावना को प्रेरित किया समाज सुधार की ओर आपको प्रवृत्त किया हमें भी प्रवृत्त किया। मैं उनके प्रति आभारी रहूंगा। जो बातें हमारे अध्यक्ष महोदय ने कही अध्यक्ष महोदय की गरिमा को मैं क्या कहूँ उनके महत्ता को भी मैं क्या कहूँ उनकी विशेषता को भी मैं क्या कहूँ वे बिहार में इतिहास पुरुष हो चुके हैं और जिस एक भावना को लेकर आज हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए भारत के निर्माण में लगे हैं नीतीश कुमार नए बिहार के निर्माण में लगे हैं उसे जिस युवा शक्ति को उन्होंने प्रेरित किया है उसको साकार करें वो अमित प्रभाव मेरे मन पर भी पूरा है। आप जो बैठे हैं सभा में ये सभा आप बुरा नहीं मानेंगे ये नहीं लग रहा है कि आप किसी विदाई समारोह में बैठे हैं लगता है कि आपका जोश कहता है आपकी गुनगुनाहट कहती है आपकी बातें कहती हैं आपसे अपने में बात करना जोश लगाना ये कहता है कि आप केवल मिलन समारोह में है नहीं आप मिलन समारोह में भी है। यदि ये सच है कि आज विदाई भी आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा विदाई जैसा माहौल भी बनाइए ये मेरा आपसे अनुरोध है। आप चहचहाना बंद कर दीजिए हाथ करना बंद कर दीजिए और याद कीजिए उन पंक्तियों को उस साज के बारे में है लेकिन आपको वही काम कर रहे हैं। यह साज उषा का आंगन चिरहास यह साज उषा का आंगन चिरहास अश्रुलय आनंद और ये मिलन का भी है विरह का भी है दोनों का ये समारोह है। इसमें जो बातें अध्यक्ष महोदय ने कही उससे बाहर मैं कुछ नहीं कहूँगा। मुझे लगता नहीं है कि कुछ कहने की आवश्यकता है क्योंकि ये तीन आयाम है इसमें ये आयाम अभिशाप से मुक्ति के वरदान से युक्त होने के समारोह से पूर्ण होने के तीन आयामों के साथ और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल आप छात्राओं से अनुरोध करूंगा कि आपके संविधान में जो 51वीं ए धारा है राज्य के मुख्य निर्देशक तत्व में
इक्यावनवी ए है धारा, उसमें इक्यावनवी ए धारा में आपके कुछ कर्तव्य लिखे हुए हैं, नागरिक कर्तव्य लिखे हुए हैं, उसका आनंद कीजिए। अध्यक्ष महोदय ने जो बातें आपको कही हैं, ये सारी बातें आपको मिली रहेंगी और आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। इस शिक्षा के बारे में अंग्रेजी के कवि का नाम आप जानते होंगे, डब्ल्यू बी यीट्स ने कहा, एजुकेशन इज नॉट दी फीलिंग ऑफ ए बेल, एजुकेशन इज नॉट दी फीलिंग ऑफ ए बेल बट द लाइटिंग ऑफ ए फायर। डब्ल्यू बी यीट्स विलियम बटलर यीट्स ने कहा। शिक्षा बाल्टी भरने का दूसरा नाम नहीं है, शिक्षा है ज्योति जगाने का नाम। तो आप ज्योति जगाइए, यही मेरा अनुरोध होगा, मेरी शुभकामना होगी। जो बच्चे जा रहे हैं उनकी भी मेरी शुभकामना है, जो आए हैं उनसे मेरी अपेक्षाएं हैं और उन अपेक्षाओं को और शुभकामना के शब्दों को कभी और समय मिलेगा तो मैं आपको और से सुनाऊंगा। आज मैं आपने सुना मेरी बातों को, मेरी पूर्वक सुना, मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आपको धन्यवाद। धन्यवाद आपके द्वारा जो भी सब बताए गए हैं, आज के कार्यक्रम स्वागत करें। आज का ये आयोजन आपके द्वारा किया गया है और बड़े इससे बड़े तादाद में सभी छात्र आए हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने इस आयोजन को सफलतापूर्वक किया, इस आयोजन के लिए आपको धन्यवाद। जिसमें कि आपने स्वागत विदाई समारोह किया है जो कि फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है, और इस सभा में आपने गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया, जिसमें से कि प्रमुख हैं श्री विजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष बिहार विधानसभा, जिन्होंने अपना बहुत समय निकाल करके यहाँ आपको दिया, हमारे विद्यालय को दिया, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें और बड़ी बड़ी बातें कही, उसमें से प्रमुख है कि उन्होंने सामाजिक वैकल्पिक अभियान शुरू किया है जिसके बारे में उन्होंने प्रतिज्ञा करवाई, जो अभियान बहुत अच्छा है। और उन्होंने कहा कि दो तिहाई हमारे समाज में है, हमारे देश में है, और वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, तो इनसे आपको प्रेरित होना चाहिए। और मुख्य रूप से उन्होंने आप ही लोग को संबोधन करते हुए कहा कि जैसे देश का प्रयोग होता है तो प्रकाश फैलता है, उसी तरह आपके लिए भी प्रकाश फैलना चाहिए, आप उससे प्रेरित होकर प्रकाश फैलाइए। शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षक गर्व करें, ऐसा कोई काम करें जिससे कि आपके शिक्षक गर्व करें, और रोजगार और डिजिटल योजना के बारे में उन्होंने विस्तार रूप से बताया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। दूसरे विद्वान श्री कामेश्वर भाजी थे, जिन्होंने रूपा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत मेहनत कहे आपके लिए और इस सभा को संबोधन किया, अपना समय निकाल कर उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रिंसिपल सर ने भी समय निकाल करके यहाँ आए और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ।
ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा जिसमें आप अपना आगमन का स्वागत है, सुझा रहे हैं।